तो दोस्तों मैं हूं आपका उशाओ लड़क, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। अच्छी जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कंपैरिजन के ऊपर वीडियो है, जो कि बजाज पल्सर 220F वर्सेस सुजुकी जिक्सर SF 155 की। देखो दोनों बाइक्स क्यों लेकर आया हूं, इसका रीज़न क्या है, पहले तो मैं आप लोग को रीज़न बताता हूं। सबसे पहले जो रीज़न है इन दोनों बाइकों का, जो एक शोरूम जो प्राइस है वो 1,11,000 से 1,12,000 रुपये का ही पड़ रहा है, लेकिन दोनों बाइकों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुजुकी जिक्सर SF की। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी, मैक्सिमम पावर जो ये निकाल के देगा 13.9 BHP की पावर निकाल के देगा। वहीं पे जो टॉर्क निकाल के देगा वो आपको टॉर्क निकाल के देगा 40 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर सेम बजाज पल्सर 220F की अगर हम बात करें तो ये हमें 21 BHP की पावर निकाल के देगा, वहीं पर जो टॉर्क निकाल के देगा हमें 19 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। देखो यार, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो उसका आपको इंजन काफ़ी, मतलब देखो यार, इंजन अगर मैं देखूं तो इंजन सुजुकी का बहुत अच्छा है। पर्सनली अगर देखा जाए तो सुजुकी का बहुत अच्छा इंजन है, लेकिन अगर बजाज का मैं पावर और टॉर्क देखूं तो बजाज का पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा टॉर्क है, लेकिन दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। लुक्स आप दोनों बाइकों का जानते हो तो लुक्स के ऊपर इतना खास बताने की खैर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनली मुझे देखा जाए तो यार, मुझे तो जो थोड़ा स्पोर्टी टाइप का जो आपको लुक मिलेगा वो आपको SF में मिलेगा, लेकिन अगर आपको हाफ फेयरिंग टाइप का लुक मिलेगा वो आपको पल्सर में मिल जाएगा, पल्सर 220 में मिल जाएगा। दोनों बाइक के अंदर एक अलग चीज़ और क्या है कि आपको पल्सर 220 के अंदर ऑयल कूल मिलेगा, लेकिन जिक्सर के अंदर आपको नॉर्मल एयर कूल ही मिलेगा। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको 5 गियर मिल जाएंगे, और दोनों ही बाइकों मतलब फ्रंट में तो आपको सेम शॉकर मिलेगा, लेकिन जो रियल में है वो आपको SF के अंदर आपको मोनो शॉकर मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम उसमें देखें पल्सर में देखें तो वहाँ पे आपको नॉर्मल जो सिलेंडर वाले आते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सिलेंडर वाले जो पल्सर के अंदर जो शॉकर्स आते हैं वो मिलते हैं, डबल मिलते हैं। ऑफ रोडिंग करने के लिए तो पल्सर मुझे ऐसा लगता है कि सही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पल्सर 220 को लेते हो, वो काफ़ी अच्छे प्राइस में आ जाती है। बाकी मीटर कंसोल जो है एनालॉग प्लस डिजिटल आपको पल्सर में मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर आपको जिक्सर में आपको फुली डिजिटल वो मिल जाएगा। टायर जो आपको अच्छा मिलेगा, अगर टायर देखा जाए तो टायर आपको कॉर्नरिंग के अकॉर्डिंग आपको जिक्सर SF में काफ़ी अच्छा मिलेगा, रेडियल टायर भी मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे अगर पल्सर में देखें तो पल्सर के अंदर काफ़ी नॉर्मल मिलेगा, कॉर्नरिंग पे अच्छा रहेगा, लेकिन ये है कि जिक्सर का काफ़ी अच्छा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो बाकी तो आप लोगों ने सब कुछ देख ही रखा है, बाकी मैं और कुछ नहीं बताने वाला। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो करो, लेकिन हमारे खराब हो क्योंकि दिमाग में खराब हो, चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा, उसको भी रखिए जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।